है पहला मैच था आज पहले मैच में आप माशाल्लाह बैटिंग बहुत अच्छी की लेकिन आउट करने में आपके लोग नहीं चल गया वो आपने एक विकेट ली लेकिन बाकी बॉलर ने इतनी अच्छी कर दी क्या हुआ आई थिंक पिच दूसरे हाफ में बड़ा बेहतर खेला अगर आप देखें कि बल्ले पे बड़ा अच्छा बॉल आ रहा था शुरू में जब हमारी बैटिंग शुरू हुई तो पहले 20-25 ओवर बॉल थोड़ा स्लो आ रहा था रुक रहा था बट सेकेंड इनिंग हमेशा पिंडी स्टेडियम में जो है वो ईजी होती है कंपेरेटिवली पहली इनिंग पे बट स्टिल आई बिलीव के वी शुड हैव डिफेंडेड दिस 295 जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइनअप थी और पहले तीन आउट भी हमने कर लिए थे बट वी शुड गिव क्रेडिट टू उमर अकमल द वे ही बैटेड आई थिंक सिंगल हैंडेडली उसने मैच हमारे हाथ से छीन लिया तो समटाइम आपको क्रेडिट दूसरी टीम को देना पड़ता है वो बेहतर क्रिकेट खेले हमसे वेल डेफिनेटली थोड़ा सा था लेटर पार्ट में 30 ओवर के बाद थोड़ा सा ड्यू फैक्टर आ गया था जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मे बी और पिच का बिहेवियर भी बिल्कुल चेंज हुआ मेरे ख्याल में यहाँ पे लेटर पार्ट इन दिस टूर्नामेंट टीमें प्रेफर करेंगी टू चेज क्योंकि जिस तरह अभी हमने देखा कि दूसरी इनिंग में पिच पे बॉल बड़ा अच्छा आ रहा था तो आई थिंक के सेकेंड इनिंग वो जो आपने भी बात की कि ड्यू फैक्टर भी आ जाता है तो चेज कुड हैव बीन इजी वेल डेफिनेटली मेरे ख्याल में आप एज ए प्रोफेशनल अगर आप सिलेक्शन या अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट इफ़ यू आर नॉट रिटायर तो अगर आप अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को दिमाग से निकाल दें तो फिर मेरे ख्याल में मोटिवेशन ही पीछे नहीं रहती तो ये टूर्नामेंट खेलने का मकसद ही यही है कि मैं आई स्टिल बिलीव कि आई कैन प्ले वाइट बॉल क्रिकेट वेदर इट्स T20 और 50 ओवर्स और आपके सामने बॉलिंग भी की फिटनेस में थोड़ा सा इशू लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं बट खेलने का मकसद यही है बैटिंग भी 20-25 ओवर बैटिंग की एंड देन बॉलिंग भी आपके सामने की बट एज ए इंडिविजुअल एज ए प्रोफेशनल मैं आई ऑलवेज से कि आपके जो एंड पे चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो आप करते हैं जो मैंने अभी बात की कि आप बैटिंग करें बॉलिंग करें फील्डिंग करें दैट्स इन योर हैंड बाकी सिलेक्शन दैट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल वो जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन है या सिलेक्टर्स का वो होगा बट येस योर क्वेश्चन जो आपने पूछा उसका जवाब यही है कि येस आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ अवेलेबल फॉर 50 ओवर्स एंड T20 देखिए बोर्ड इज द बॉडी उन्होंने डिसाइड करना है दे आर द वन हू गोना मेक द डिसीजन प्लेयर्स नहीं वो जो भी फैसला करेंगे मेरे ख्याल में सोच समझ के करेंगे वो प्लेयर्स को भी मद्देनजर रखेंगे वेल पहले तो क्राउड का लकीली के थोड़े लोग आ गए और पिंडी में हमेशा क्राउड होता है और मेरे ख्याल में जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा और लोगों को पता चलेगा तो वो क्राउड डेफिनेटली ग्राउंड में आपको नज़र आएगा एटलीस्ट 2-3 स्टैंड फुल नज़र आएंगे बाकी अपनी परफॉर्मेंस की बात तो आई थिंक जिस स्टेज पर मैं बैटिंग करने गया वहाँ पर टीम वॉज अंडर प्रेशर बैडली नीडेड आप कह सकते हैं कि 4-5 आउट हो गए थे तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड द वे आई एम बैटेड बॉलिंग में आप कह सकते हैं थोड़ा बट दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट थैंक यू सो मच